हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस मैं हूँ सोनाली, आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल लाइफ ऑफ सोनाली। गाइस देखिए, सुबह सुबह मैं खेत में हूँ। हमारी बाजू में एक थोड़ा सा खेत टाइप का जगह है, खाली जगह। उधर मैंने बना रही हूँ फैला घर, नहीं बोलते इसको फैला, क्या बोलते हैं, जलाते हैं, फैला पूंजी, फैला घर, ऐसा कुछ बोलते हैं और पूंजी बोलते हैं। तो ये जो जलाते हैं ना संक्रांति में, वो मैं बना रही हूँ लकड़ी से। आम का ये सूखा वाला था तो उसी से मैंने बाबू को, एक्चुअली ये बाबू के लिए मैं बनाया हुआ है। और हम लोग बचपन में ये बनाते थे ये जलाने के लिए, और ये हम जलाएँगे कल, मतलब 16 तारीख को जलाएँगे। और ये मैंने बनाया और बाबू बाबू को समझाया मैंने, ये हम लोग करते थे और ये जलाते हैं संक्रांति में। पूजा पा पूजा करते हैं हम लोग, पूजा नहा धो के आना पड़ता है, उसके बाद पूजा होता है। तो ये जब जलाएंगे, वो वीडियो में आप लोगों के साथ अलग से मैं भी शेयर कराएंगे। लेकिन ये जो बाबू को मैं बना के दिया है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और बाबू को समझा रही हूँ। बाबू है ना, ये बोल रहा है ये कैसे बनाया, क्या है, क्या कर, ये बहुत क्वेश्चन करते हैं। और ये फाइनली मेरी ये बन गया है, ये फैला पूंजी। तो ये मैं बना लिया और ये जलाने के टाइम तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करेंगे। और ये बाजू में बकरी था, बकरी के साथ बाबू बिजी है। तो ये और ये बकरी हमारा ही है, तो बाबू उसके साथ खेल रहा था। और ये लकड़ी है और ये केले का पत्ता है, सूखा हुआ पत्ता से मैंने बना दिया बाबू के लिए। और ये बहुत सुंदर सुंदर इधर बनाते हम लोग, बहुत सुंदर सुंदर पहले बनाते घर जैसा बनाते। और उस घर में हम लोग बहुत कुछ करते थे, मतलब बहुत अच्छा लगता था उस टाइम। और मेरे भाई का बर्थडे है, बर्थडे के कारण ये मेरी बड़ी मम्मी आया है और बड़ी मम्मी को मम्मी ने बुलाया है, क्योंकि ये कीर्तन पाठ करना पड़ता है ना, ये थोड़ा सा बर्थडे के लिए, मतलब क्या है, ये प्रसाद चढ़ाया है और प्रसाद चढ़ाने टाइम मतलब ऐसे पाठ करना पड़ता है। तो कीर्तन पाठ किया मेरी बड़ी मम्मी ने, और ये सुबह 12 बजने से पहले पहले ये करते हैं, तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए बाबू भी मतलब सुन रहा था बहुत अच्छे से ये पोम, और क्रिया पाठ करते वो भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को सुनाएंगे। और ये जो कीर्तन पढ़ते हैं ना, ये मुझे भी पढ़ना आता है, कभी मैं सुनाऊंगी आप लोगों को का ये मतलब कैसे कैसे पढ़ते हैं। और गए शाम के लिए हम लोग, मेरे भाई का जो फ्रेंड है ना, और आजू बाजू में जो है घर का ही, ज़्यादा लोग नहीं है, तो उन लोगों को बुलाया है, थोड़ा सा अरेंज किया हम लोग। और ये भांजा को मैंने बोला कि ये कर दो और बैलून फुला दो डोसा। और हम लोग बिजी है किचन में, क्योंकि उनके फ्रेंड को बुलाया है, मतलब पार्टी पार्टी में उसको फ्रेंड को पहले से मैं बुलाती थी, अभी भी ये मतलब मैं आया हूँ तो बोल के उसको ये किया। और भाई की फ्रेंड वगैरह आ गया है, सब लोग बैलून फुलाने में बिजी है, और केक कटिंग करने तक तो एक भी बेलून बचा नहीं है, ऐसा हो गया है, सब बाबू ने बेलून फुटा दिया है। और देखिए हम लोग खाना बना रहे हैं सब लोग मिलके, और ये है बर्थडे का केक, कितना सुंदर है ना, सिंपल है लेकिन बहुत प्यारा है केक। और ये देखिए खीर बनाया है मैंने, रोटी बनाया, ये एकदम राजस्थानी रोटी बनाया, और पनीर की सब्जी बनाया, ऐसे कुछ कुछ सब्जी बनाया हुआ है। हैप्पी बर्थडे, মানখানি আয়োজন আপনারে
गाड़ी वाले को ठंडा बता तो गाइस हम लोग भी खाना खाने लगी है। सब लोग जाने के बाद गेस्ट वगैरह चला गया है और उसके बाद हम लोग घर के लोग हैं और भाभी भांजी अनामिका दीदी माँ ऐसे मिलके हम लोग भी जो खाना है ना खाना खा लिया है। और हमारे ये बर्थडे पार्टी आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बता देना। सिंपल तरीके से बनाया है और संक्रांति है, संक्रांति में इतना ज़्यादा लोग होता भी नहीं है क्योंकि हर घरों में पार्टी वगैरह चलता रहता है। और सिंपल तरीके से हम लोग हमारा बर्थडे पार्टी एंजॉय कर लिया। गाइस ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में। और खाना खाने के बाद हम लोग ये गप्पे ले रहे थे, ये बाबू डांस कर रहा था, वो थोड़ा सा आप लोगों को शेयर किया। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।